तीर्थ श्रीधर महाराज हैं। तो श्रीधराम श्रीधराम भजे, सबसे पहले श्रीधर महाराज से मतलब चर्चा। महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए
और सारे गुरुगण प्रभु का अनुग्रह ले और तुम सोच रहे हो तुम अकेले इतने बड़ा भारी काम को कैसे कर सकते, कोई चिंता नहीं, हम सबके सब तेरे पीछे जन बल और ध्यान बल ये देने के लिए हम सबके सब तैयारी है, तुम अकेले नहीं, इसलिए तुम कोई चिंता मत करो, केवल प्रचेष्टा करो, हम सबके सब तुम्हारे पीछे हम अल्प करने वाले। तो प्रभुपाद कहते हैं मैं तो पहले सोच रहा था मैं अकेला हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन महाप्रभुपाद सारे गुरुवर कह रहे हैं हम तुम्हारे साथ में। प्रभुपाद कहते हैं मेरे अंदर में तो 100 गुना ज्यादा उत्साह है, मैं अकेला नहीं, मेरे साथ में सारे गुरुवर कह रहे हैं। इसलिए जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु कहते श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जी ने दया करी सबा सदस्यो धाम सहवते, महाप्रभु जैसे संपूर्ण धाम और संपूर्ण परिकर को संपूर्ण निगुंज को इस जगत में प्रदान करते हैं, उसी तरह जब श्री राधा रानी जब से महिमा महिमा देवी श्री प्रभुपाद राधा रानी की निगुंज मंदिर में सेवा में संलग्न थी, उसी समय राधा रानी स्वयं कहते हैं महिमा महिमा देवी जाओ तुम जाकर देखो महाप्रभु का जो धारा है धीरे 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 तो होने जा रहा है, इसलिए तुम एक बार जाओ जाकर के इन जीवों में कल्याण करो, वो अकेले मत जाओ, तुम अपना परिकरों को लेकर ले जाओ। इसलिए राधा रानी के आदेश को पा करके कि जो नए नए मंदिर मतलब श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जब वो आए वो अकेले नहीं आए, पूरा अपना परिकरों को लेकर के आए, जैसे श्री महाप्रभु जैसे एक एक द्वारा एक एक अपना अभिष्ट को स्थापन की, इसको द्वारा रस को स्थापन की, इसको द्वारा सिद्धार्थ को स्थापन की, इसको द्वारा संबंध को स्थापन की, इसको द्वारा से रामाचार्य हजार कार्य बनाए, जैसे महाप्रभु एक एक द्वारा एक एक मन अभिष्ट को स्थापन किया, उसी तरह श्रील प्रभुपाद भी उन्होंने एक एक द्वारा प्रभुपाद भी अपना मन अभिष्ट को स्थापन किया, इसको द्वारा रस को स्थापना करते हैं, इसको द्वारा सिद्धार्थ को स्थापन करते हैं, इसको द्वारा समग्र ज्ञान को स्थापन करते हैं, इसी को द्वारा महाप्रभु सिद्धांत को स्थापन करते हैं। यदि ये जो भक्ति रखा है श्री सिद्धर गोस्वामी का, यदि ये बहुत बड़े सम्राट कहने जाते होंगे, मतलब कौन सा कुल नहीं साधारण कुल में जन्म नहीं लिए, ये कहते हैं ब्राह्मण घर में जन्म होंगे, हम ऊंचे ब्राह्मण कुल में इनके जन्म और बड़े पैसा वाले घर के, और उसी समय में उन्होंने कोकिला की की है लव लव पढ़ लेकर के, और उसी समय कोकिला की करना कोई साधारण बात नहीं था, वो बड़े बड़े सम्राट जन्म व्यक्ति जिनके पास ज्यादा पैसा होता था वो लोग इन सब पढ़ाई करने के लिए साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ सकते, और इतने इनकी जो अंग्रेजी जैसे जैसे हम कभी कभी अंग्रेजी बोलने के लिए ना तो कष्ट होता है, शब्द ढूंढना पड़ता है, वो बोलते थे अंग्रेजी स्वयं इनकी सेवा करने के लिए हाथ बढ़कर प्रस्तुत करती थी, इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, इसलिए भक्ति वेदांत स्वामी महाराज हैं, जब भक्ति वेदांत स्वामी महाराज थे उन्होंने स्वयं बोल कर कहे अगर किसी समय में और कोई वैष्णव है जो कि उन लोगों को मदद कर सकता है, भक्ति वेदांत स्वामी महाराज स्वयं बोले ये भक्ति अंदर सिद्ध, और एक नाम लिया इसलिए इनका जो घर का नाम था रामेंद्र चंद्र नाम था, लेकिन इसलिए प्रभुपाद ने इनका नाम दिया राय रामानंद नाम दिया, जब उन्होंने राय रामानंद का जो जहाँ पर महाप्रभु के साथ में राय रामानंद का संवाद डिस्कस हुई है उन्होंने वो स्थान को उन्हें प्रकाश कर दिया, जब प्रकाश कर दिया तो प्रभुपाद प्रसन्न होकर के इनका नाम राय रामानंद नाम रखते, जब प्रभुपाद जब इनके संन्यास लिए प्रभुपाद इसको तो संन्यास नहीं देते थे, अभी जैसे है ना अभी क्या है अभी पहले तो संन्यास लेने पर भी सर में कोई लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि जैसे हमारा भक्त नारायण के साथ का नाम जो पूर्ण नारायण जब उनको भक्ति प्रज्ञा क्षेत्र को उसका संन्यास लेना चाह रहे थे वो कोई भी संन्यास लेना नहीं चाह रहे थे, बोले हमने संन्यास को देखा है संन्यास में कितनी विद्वता होती है हमारे अंदर में, क्या संन्यास के लिए इसके व्यक्तिगत समझाकर तो सही बात करते हैं,
जिस समय प्रभुपाद कर्ण बैठे करके जब शास्त्र की विवेचना करते थे हमारे महाराज कहते थे हम भी वहां पर बैठे करके सुनाते वो कहते थे हंस साधन से बच गया हम कैसे एक कोने में बैठ करके हम सुनते थे लेकिन हाई हाई इनके अंदर में विवेचना होती थी शास्त्र के रात को पर भी वो कभी हमारा फल नहीं बनता था इतने हाई हाई तत्वों को पढ़ने तत्व दस तत्वों पर के बाहर हो गया अभी मासूमार को देखना हमारे मुक्ति प्रज्ञा कैसे वो दोबारा बिलस रहते वो है तो नहीं नहीं वो है करते थे और श्री लाल भक्ति रखकर इसे इनका नाम ये प्रभुपाद का नाम दिया है उसी समय जैसे जैसे व्यक्ति को संन्यास दी नहीं दे जाती और संन्यास दिया किसने तो श्री लाल भक्ति सिद्धांत सबसे उसमें प्रभुपाद संन्यास दिया साधारण व्यक्ति को दर संन्यास नहीं दिया उसने इसलिए इनका नाम क्या रखा भक्ति रक्षक सिंधर इसका मतलब है जिसने भक्ति को रक्षा करेगा बल्कि इनका नाम भक्ति रक्षक नाम क्यों दिया प्रभुपाद रहते समय जैसे हमारे जो 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 हमारे सिद्धांत का जो ग्रहण करते हैं महाप्रभुपाद मुझे छह गोस्वामी आए उसके बाद में नरसिंह श्यामानंद सिंधुदास आए जैसे विश्वनाथ चौधरी बड़े विद्यालय हैं तो यहाँ तक इन लोगों ने जो जो ग्रंथों को उन्होंने रचना की है केवल यही तक ग्रंथों को इनको प्रामाणिक मानते हैं इसको बाद में अगर जैसे जैसे व्यक्ति बोलेगा ना उसको प्रमाणित इस ग्रंथों को हम नहीं मानते ये प्रमाणित ग्रंथ है उसको बाद में भक्ति विनोद ठाकुर जी आए इन्होंने लिखे इनको प्रमाणित मानते थे लेकिन श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद इनको भी प्रमाणित मानते हैं लेकिन इन्होंने जब ये कोई ग्रंथ लिखते थे भक्ति रखकर सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज वो बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत में एक पुरस्कृत पंडित थे इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया जिस ग्रंथों को श्रील प्रभुपाद ने जिस ग्रंथ को उन्होंने अनुवादित किया उन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखे बोले श्रीमान नित्यानंद दशकम उन्होंने लिखे एक लिखे श्री प्रभुपाद पद्म स्तवकम एक और एक ग्रंथ लिखे श्री दैत दास प्रणव पंचकम और एक ग्रंथ लिखे श्री दैत दास दशकम और एक लिखे प्रेम गौरव ईश्वर नमस्कार दशकम गौरव सरदास पाल जी उनके एक अष्टक लिखे हैं उसके बाद में श्री भक्ति विनोद विनोद दशकम उन्होंने एक ग्रंथ लिखे और एक ग्रंथ लिखे हैं श्री प्रेम धाम देव स्तोत्र जिसको श्री हमारे श्री माधव महाराज जिसको बोल रहे थे उन्होंने ये जो ग्रंथ लिखे थे ये ग्रंथ को प्रभुपाद ने प्रमाणित मानते थे ये ग्रंथ को स्वीकार करते थे और उन्होंने अभी जो माधव महाराज बता रहे थे एक श्लोक लिखना जैसे आसन बाद में जो आए वो लिख दिया ऐसे नहीं फिर उसके अंदर में फिर उन्होंने उसमें अलंकार देकर लिखना ये बहुत बड़े चमत्कार का है इसलिए जिस श्लोक को रोज रोज हम सवेरे हम रोज रोज गुरु वंदना काल में जाते हैं ना भले सुय नुगम युग क्या है इनकी क्या वैशिष्ट्य है इसलिए पूरा श्लोक उन्होंने वर्णन किया जिस पर हमारे भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज प्रभुपाद के लिए कहा करते थे कहते अभी तक जितने आचार्य जगत में आए हैं
कि आचार की वैशिष्ट क्षमता को अगर एक तरफ में कर दिया जाए, एक तरफ पे कर दी, अगर श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का वैशिष्टता को अगर एक भजन एक तरफ में कर दिया जाए ना, आप देखो भोजन इनका भारी होगा। इतने बड़ी प्रभु करने के लिए बात करते थे, इतने बड़ी बात गोस्वामी महाराज करते थे। कभी कभी मेरे मन में शंका होता था, पर कैसे कैसे हो सकता है सारे वैशिष्ट को एक अलग, जब लोग प्रभुपाद की वैशिष्ट को अगर अलग कर दो, वो कहते वो भारी पल्ला, ये भारी पड़ेगा। यदि ये कैसे हो सकता है इनका पल्ला भारी पड़ेगा, क्योंकि मेरे मन में कभी कभी शंका हो जाता था, यदि ये कैसे संभव है। लेकिन मैंने देखा नहीं, उन्होंने जो बात बताई ना वो सही बात बताए, बोले क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद बोले हैं, बल्कि राधारानी के नयन मन में यदि थे कि राधारानी का जो कृपा कटाक्ष है, हम कहते हैं ना मनिन्द्र मित्र वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्र पंकजे निकुंज भोगविलासिनी ब्रजेन्द्र भानु मंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगते कदा करी ससीरम कृपा कटाक्ष भाजन। कभी राधा रानी का कभी जो प्रभुपाद उन्होंने कभी ये राधा रानी का कृपा कटाक्ष करना चाहते थे, उस समय भजन किससे सुने, उन्होंने बोले भाई को भजन सुनाओ, कोई बढ़िया सुंदर सुरीली कंठ वाले उसको बोल, कोई बोल रहा बोल नहीं, आपकी भक्ति रखकर सुंदर महाराज बोले, इसलिए उन्होंने श्री रूप भजन कर। इसका मतलब है हम लोग रूपानुभव गौरी वैष्णव कहते हैं अगर रूपानुभव अगर उन्होंने कहीं देख करके गए तो किसको देखे गए, जिनको पास में देखे गए। इसलिए इनकी जो फिलोसफी ये चैतन्य महाप्रभु का ऊपर में इतने सुंदर सुंदर बात बताया करते थे, प्रभुपाद के सारे गुणगान बैठी रहते, इनके गुहार करते थे, महाप्रभु की जो फिलोसफी का जो तत्व दर्शन है इससे सुनते इनसे सुना करते थे, इनसे सुनते थे। इसलिए इन्होंने जो प्रेम धाम देव स्तोत्र लिखा है संपूर्ण महाप्रभु को आधारित करके संपूर्ण उन्होंने ये श्लोक पूर्ण लिखा, और उसमें बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने बड़े सुंदर अलंकार प्रयोग किया। एक श्लोक पढ़ता हूँ, अब देखो कितना सुंदर उन्होंने बात बताई। देव सिद्ध मोक्त युक्त भक्त वृंद वंदितम पाप ताप 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 दग्ध दुख भंडितम कृष्ण नाम सिद्धुताम धन दान सागरम प्रेम धाम देवमेव नौमि गौर सुंदरम स्वर्ण कोटि कंदर्भाम देव वर्ण गौरवम पद्म पारिजात गंध वंदितांग सौरभम कोटिकाम मूर्छितांग रूप रासरंजनम प्रेम धाम देवमेव गौरी सुंदरम प्रेम नाम दान जन्न पंच तप्त साक्षम सांग दीप पास शास्त्र वैव पास तारकम श्याम गौर नाम भन नृत्य मात नागरम प्रेम धाम देव मेव नौमि गौर सुंदर। ऐसे नहीं एक तो इस कदर अलंकार है, केवल अलंकार नहीं इसका अंदर में जो महाप्रभु का जो तत्व है, जो जो सिद्धांत है महाप्रभु का अचिंत्य भेदाभेद जो सिद्धांत है, जब वो सिद्धांत भी इसके अंदर में मिल दिया, अद्भुत रूप में एक एक श्लोक में महाप्रभु का चरित्र को वर्णन किया, और एक विशेष वस्तु हमारे श्लोक अंतिम नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे, उन्होंने एक विशेष वस्तु दिया है, क्या दिया है कि जो ब्रह्म गायत्री मंत्र में उन्होंने उसी चीज को उन्होंने स्थापित किया है। उसमें बताए भर्गो देवस्य, भर्ग मतलब होता है तेज, बोले किसका तेज है, बोले देवस्य, देवस्य मतलब कृष्ण, देवस्य भर्ग मतलब कृष्ण का जो भर्ग मतलब जो तेज है कौन है कि श्रीमती राधा रानी। इसलिए ये जो महीना का नाम क्या, ये महीना का नाम ऊर्जा प्रद है, ऊर्जा मतलब होता है तेज, इसलिए कृष्ण का जो तेज कौन है श्रीमती राधा रानी, इसलिए जो व्रत है श्रीमती राधा रानी की व्रत है,
पिछले उन्होंने उसी श्लोक में प्रचोदया मतलब हृदय में वो संपूर्ण रूप में कृष्ण का जो धात्री शक्ति स्वरूप श्रीमती राधा रानी हमारे हृदय में प्रकट हो जाए, जिसको वो संतोष जिनकी उपासना विश्व ब्रह्मांड में सूर्य की उपासना करते हैं कौन है श्रीमती राधा रानी। बहुत अच्छे दर्शन में ये श्लोक अपूर्व रूप में व्याख्या की, इसलिए इनका देह बहुत बड़ा देह है हमारी संप्रदाय के लिए महाप्रभु सहारा के लिए बहुत बड़ी देह है, इसलिए आज इनकी अग्रिमा स्थिति है। अब ये महापुरुष में दया बड़े कृपा थे, बल कैसे कृपा थे जब इनका जो अभी जो आचार्य वर्तन को ला था जब उन्होंने मंदिर में आए, लेकिन फिर जब शादी करके आए थे फिर उन्हें फिर छोड़ कर मंदिर चले गए, फिर घर में कर चले गए कुछ दिन रहने का बाद फिर उन्होंने फिर उनको ले आया लाकर फिर उनका संन्यास लेके रहता फिर भी चले गए, लेकिन फिर भी उनको लाकर उनको फिर संन्यास देकर जो भविष्य दर्शन है उसी मंदिर की उन्होंने आचार के बना कर गए। इसलिए एक शिष्य बात्सल्य जो है यदि जानते हैं बड़ी शिष्य बात्सल्यता थी, शिष्य को प्रति बड़ी ममता थी, बड़ी दया थी, हमारी वैष्णव धारा में विशेष गौड़ीय संप्रदाय में विशेष ये साधु है महाप्रभु का परिकरण, इसलिए आज उनके चरण में प्रार्थना करते हैं जैसे उन्होंने महाप्रभु गुरुवर्ग की सेवा की हम भी करती की पदार्थ का स्वर्ण करते करते हम भी कभी गुरु वैष्णव की सेवा करते करते एक गुरु बिता दे वैष्णव को नमो नमः। इस समय द्वितीय लादिनी शक्ति द्वितीय उनके आने के पहले बता देता हूँ बता रहे थे से पाते लिखा युवती नाम यथा जुनु जुनी च युवतौ यथा जैसे एक युवक एक युवती को आसानी से आकर्षण कर सकता है या कर सकती है, उसके दृष्टि में क्या चीज है, एक युवक एक युवती का आकर्षण कर लेता है, वही युवती एक वृद्धा को आकर्षण नहीं कर सकती या एक युवक किसी वृद्धा का आकर्षण नहीं कर सकती, क्यों कारण क्या है, दृष्टि सबसे पहले प्रभुपाद की ओर जाएगा, लड़कियों को नहीं जाएगा, प्रभुपाद इतने सुंदर थे इसलिए बताया मदन आरोपी मदन भी जो कम देवी उनके चरण की आराधना करते हैं ये श्री गुरु बताते हैं श्री गुरु ना उपस्थित हरे कृष्ण।